खबरों के मुताबिक वाराणसी में मोदी के स्वागत में सड़कों की सफाई करने में करीब 1.4 लाख लीटर पीने का पानी बहा दिया गया। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के 30% से अधिक आबादी पीने के पानी के लिए तरस रही है। वाराणसी नगर निगम के मुताबिक प्रधानमंत्री के वाराणसी आने पर उन्हें सड़कों को धोने के निर्देश मिले थे। इसके लिए नगर निगम के 40 पानी के टैंकर और 400 मजदूरों को इस काम के लिए लगाया गया था। खबरों के मुताबिक रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 4 प्रदेशों से 30 लाख रुपए खर्च करके 250 क्विंटल गुलाब के फूल भी मंगवाए गए थे। एक दिन पहले ही बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर बांदा की सड़कों को भी पानी से धोया गया था। बांदा में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी अगले 5 साल तक घर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी देते दिखे। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।